मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस को शानदार जीत मिली। अगर मुकाबले की बात करें तो आखिरी गेंद तक ये मुकाबला चला। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। टीम 19.4 ओवर में ऑल आउट हो गई। टीम के कप्तान डेविड वार्नर ने इस मैच में पारी में अर्धशतक लगाया। इसके अलावा टीम के लिए अक्षर पटेल बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। फटाफट पारी में उन्होंने भी अर्धशतक लगाकर टीम को 172 के स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन टीम निर्धारित ओवर से दो गेंद शेष रहते ही ऑल आउट हो गई। हालांकि टीम ने इस दौरान फाइटिंग टोटल जरूर बनाया और 172 के स्कोर तक पहुंची। मुंबई इंडियंस के लिए गेंदबाजी में जैसन ने 3 विकेट चटकाए। इसके अलावा ऋतिक शौकीन को, रिले मेरेडिथ और पीयूष चावला को भी विकेट मिले। पीयूष चावला ने इस मैच में 3 विकेट चटकाए। बहरहाल 173 के टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की बात करें तो टीम के कप्तान ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ही कप्तान इस मुकाबले में अर्धशतक लगाते हुए नजर आए। दिल्ली के लिए जहां डेविड वार्नर तो मुंबई के लिए रोहित शर्मा ने इस मैच में 65 रन की पारी खेली। 45 गेंदों में रोहित ने 65 रन बनाए और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। ईशान किशन भी इस दौरान 26 गेंदों में 31 रन बनाते हुए नजर आए। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा की एक बार फिर से ताबड़तोड़ पारी देखने को मिली। 41 रन बनाकर उन्होंने टीम की जीत में अहम योगदान दिया। हालांकि सूर्य कुमार यादव इस दौरान पहली गेंद पर आउट हो गए और पवेलियन लौट गए। टीम डेविड कैमरन ग्रीन ने टीम को मैच पर जिताने का काम किया और मैच फिनिश किया और मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। बहरहाल इस मुकाबले के बाद अगर बात करें मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा की तो उन्होंने जीत का श्रेय पूरी टीम को दिया। मुंबई की जीत के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि मैच को जीतना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम पहले मैच से ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारा मुंबई में कैंप में था और नतीजा हमारे पक्ष में है, इस बात की हमें खुशी है। स्पिनर्स ने इस मैच में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमको इस टोटल को चेस करने के लिए अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत थी और वो हुआ भी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हर एक खिलाड़ी का इस जीत में अहम योगदान रहा। यह पूरी टीम की जीत है। मुझे पावर प्ले का सही इस्तेमाल करने की जरूरत थी। मुझे पता था कि हमें लगातार रिस्क लेकर अटैक करना ही होगा। मैंने पार्टनरशिप जमाने की कोशिश की और मेरे और तिलक वर्मा के बीच में हुई एक काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप और बातचीत ने टीम को जीत दिलाई और अहम भूमिका निभाई। अच्छी साझेदारी लगाना हमारे लिए जरूरी था। हमारी टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने इससे पहले आईपीएल में हिस्सा नहीं लिया है। ऐसे में उन पर भरोसा दिखाना जरूरी है। बेवजह टीम में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है और ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। कप्तान रोहित शर्मा जीत के बाद खुश नजर आए हैं। उन्होंने इस पूरी जीत का श्रेय पूरी टीम को दिया है। साथ ही उनका मानना है कि टीम के सभी खिलाड़ियों ने इस जीत में एक अहम भूमिका निभाई है। बहरहाल पॉइंट्स टेबल की बात करें तो मुंबई इंडियंस को उसकी पहली जीत दर्ज हुई है। 2 हार के बाद टीम ने पहली जीत को दर्ज कर लिया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए 4 मैचों में अभी तक हार मिली है। टीम एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।